इमरान डू सदर आरिफ अलवी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर करने के बाद वफाकी हुकूमत ने आइन शिकनी पर सदर के मुआवजे की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, जबकि सदर आरिफ अलवी के इस इकदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ताहम कानूनी और आइनी माहरीन के मुताबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से कानून शिकनी के बाद अब हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। ख्याल रहे कि सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है और सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का प्रोग्राम जारी करने की हिदायत की है, जिसके बाद ये सवाल पैदा होने लगे हैं कि आया सदर मुमलिकत को सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार हासिल है या नहीं, और हुकूमत सदर के इस इकदाम को कैसे काउंटर कर सकती है, और आने वाले दिनों में सदर के इस फैसले का मुस्तकबिल क्या होगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन एक्ट 2017 के 57(1) के मुताबिक आइन के तहत सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन की मुशावरत की आम इंतखाबात की तारीख देंगे और सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन कमीशन सदर की दी गई तारीख की रोशनी में इंतखाबात का प्रोग्राम जारी करेगा। ताहम आइन के तहत ये भी ज़रूरी है कि जब सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख दें तो वफाक में मुंतखब हुकूमत की जगह निगरान हुकूमत कायम हो, और यही वो नुक्ता है जिसको आइंदा दिनों में इलेक्शन कमीशन या वफाकी हुकूमत जवाब बनाकर सदर के इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत ने सदर अलवी के इस खिलाफ कानून इकदाम पर जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है और सदर आरिफ अलवी के मुआवजे के हवाले से मुशावरत का आगाज कर दिया है। सदर आरिफ अलवी के खिलाफ हुकूमती रद्द अमल का इजहार 20 फरवरी को सैनेट इजलास में हुकूमती रुकन असेंबली ब्रजेश ताहिर के इन रिमार्क से बखूबी लगाया जा सकता है, जिन्होंने इजहार ख्याल करते हुए सदर की जानिब से दो सूबों में इलेक्शन की तारीख देने के तनाजुर में इसे ऐवान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार देते हुए कहा कि यही आरिफ अलवी ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन दोनों बेंचों पर बैठते रहे हैं, लेकिन आज इनका किरदार पूरे ऐवान के लिए बाइस से शर्म है। सैनेट इजलास के दौरान बाज़ अरकान संजीदगी से सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पेश करने पर तबादला ख्याल करते रहे। दूसरी तरफ 20 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ये तारीख भी रकम हुई कि मामूल की कार्रवाई के दौरान मनसब सदारत पर विराजमान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर आरिफ अलवी पर हुकूमती जमात के वज़रा और ऐवान में मौजूद अराकीन ने जारहाना अल्फाज और पुरजोश अंदाज में सख्त तनकीद की और इन्हें इमरान खान का आलाकार करार दिया। कौमी असम्बली में कम वेश तमाम ही अरकान ने डॉक्टर आरिफ अलवी को इनके सियासी किरदार और जानबदाराना इकदाम के हवाले से तख्त मश्क बनाया। दूसरी जानब सदर आरिफ अलवी की जानब से इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर सरबरा पिल्डाट अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि सदर अलवी के पास एग्जेक्टिव पावर नहीं है, सदर ने अस खुद ऐलान करके आइनी बहरान पैदा कर दिया है। अहमद बिलाल का मजीद कहना था कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत नहीं हुई, आइन में लिखा है कि सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत तारीख दे सकते हैं, वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को एडवाइस नहीं दी, अब अदालत उज़्मा ही कोई रूलिंग देगी, इलेक्शन की तारीख के हवाले से फैसला अब अदालत ही करेगी। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने पर सीनियर तजियाकार हसन अस्करी ने कहा कि ऐसा क्राइसिस पहले कभी पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने ऐलान करना था वो करना नहीं चाहते, इसलिए सदर ने ऐलान किया। हसन अस्करी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने टाल मटोल से काम लिया, आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का वाज़े लिखा है, ये मामला अदालत में ही जाएगा, मेरा ख्याल है फैसला अदलिया ही करेगी। मारूफ तजियाकार मुजीबुररहमान शामी ने कहा कि सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी है, अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है, लगता है मामला अदालत में ही जाएगा। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने कानूनी टीम से मुशावरत के बाद ही फैसला किया होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि बादियुन नजर में सदर ने सेक्शन 57 का हवाला दिया है, 18वीं तरमीम से पहले सदर तारीख का ऐलान करते थे, 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर तारीख का ऐलान करेंगे।
यूट्यूब पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।